प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाय प्रेम किसी से छिपा नहीं है। गायों के प्रति उनकी संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि राज्य में सरकार बनने के बाद से ही गायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनकी देखभाल के लिए कई फैसले लिए गए हैं। गौशालाएं बनवाने के निर्देश दिए गए हैं और बजट में अलग से इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। इसके उलट उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार गायों की सुरक्षा के लिए चाहे जितने उपाय कर रही हो, लेकिन लापरवाही के कारण ना तो गायों की दुर्दशा में कमी आ रही है और ना ही गायों की होने वाली मौतों में गौशालाओं में स्थानीय जिम्मेदारों की लापरवाही और अनदेखी करने का ऐसा ही आरोप सूबे के जनपद प्रतापगढ़ से सामने आया है। जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील अंतर्गत सगरा सुंदरपुर में स्थित रामलली सेवा संस्थान गौशाला के सचिव दयाशंकर पांडे का कहना है कि गौशाला परिसर के आसपास जल निकासी न होने के चलते काफी खराब हो चुकी है, जहां एक ओर जलभराव के कारण गायों और गौवंशों को बैठने के लिए ठीक तरह से जगह नहीं मिल पा रही है, वहीं मवेशियों में बीमारियों और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बात पर जल निकासी को लेकर लिखित और मौखिक तौर पर कई अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन ग्राम प्रधान लेखपाल वाले अधिकारियों ने अभी तक इस गौशाला की सूद नहीं ली है। समाचार पत्रों में छपी खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सैकड़ों गायों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौतें या तो भूख से हुई हैं या फिर गौशालाओं में हो रही अव्यवस्थाओं के चलते। वही मौसम की वजह से भी गायों की मौत हुई है, क्योंकि बरसात और उसके बाद होने वाले जलभराव से बचने का कई गौशालाओं में तमाम कोशिशों के बावजूद कोई समुचित इंतजाम आज भी नहीं है। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सर, क्या नाम है आपका? ये कौन सी जगह है जहाँ पे आप हैं सर? लखमापुर। ये जो भवन सामने आप देख रहे हैं, ये किस तरीके का भवन है और कब बना था, कुछ जानकारी है? ये हमारे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी वगैरह बताते हैं कि लगभग 35 साल पहले बना था। 35 वर्ष पहले बना था। क्या था सर, इसमें क्या होता था? डेयरी पालन का था, सरकारी योजना थी, एक पास रहते थे, अपना चराते और आते थे इसको, और उसी का पैसा शासन में जाता था, जो होता था सरकारी कामों में। जैसे ये कितने दिन से लगभग बंद है ये भवन? ये लगभग 15 से 20 वर्ष। 15-20 वर्ष हो गए। जैसे जर्जर हो चुका है, आप लोग भी कभी कभार आते हैं इधर उधर, जो है अचानक धूप निकल आई या बारिश होने लगी, इससे बचने के लिए भी कभी आप लोग इसका, या कोई और राहगीर भी सड़क के किनारे है तो क्या शरण लेता होगा? जी बिल्कुल, शरण लेते हैं, जो जानवर चराते हैं वो भी शरण लेते हैं, और कभी भी गिर सकता है, अनहोनी कर सकता है। मलबा इसका टूट करके गिर रहा है सर? से ये भवन जर्जर हो चुका है, गिर रहा है, अनहोनी की भी आशंका बनी रहती है, कभी आप लोगों ने कोई शिकायत किसी अधिकारी से किया? देख रहे हैं विधायक वगैरह, देख रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन किसी को कोई वो नहीं है कि गिरेगा तो कोई मरे। मेरा नाम श्याम बिहारी पांडे है और गौशाला का नाम रामलली सेवा समिति गौशाला सेवा। क्या ये जल जमाव जो हुआ है, कब से हुआ और क्या क्या? अरे इसमें बहुत दिनों से इसी तरह बीत रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। नाली वगैरह? नाली जो है नक्शे के अंदर 4 कड़ी पे सड़क उस पार सीधा नाली बनी हुई है, मतलब कोई सरकार आज तक उसको इंतजाम नहीं किया। तो किस तरीके की दिक्कत आ रही है जल जमा होने का? जल जमा होने के कारण दिक्कत पड़ रही है, जानवरों को खुर वाली बीमारी पकड़ रही है, मुँह सूज रहा है और वैसे बीमारी पकड़ रही है सर। कब से है ये जल जमाव? जल जमाव है तो जब से पानी बरस रहा है तभी से, बहुत दिनों से है। तो आपने इसकी कहीं शिकायत नहीं की? शिकायत हमने SDM को किया, SDM आए और इधर उधर बता करके चले गए। क्या चाहते हैं? अब पानी का निकाल होना चाहिए।